जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा विकास खंड चरगावा में संचालित स्टेप अहेड फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रगति रोजगार मेले का आयोजन चरगावा में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने गए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने सेंटर का निरीक्षण किया तथा सेंटर के पास आउट बच्चों को डीएम द्वारा सर्टिफिकेट का वितरण किया गया तथा नए सत्र के अभ्यर्थियों को किट का वितरण किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा कहा कि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, अगर लक्ष्य बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने कहा, कितने महीने का कोर्स है ये? हमारा 4 महीने का कोर्स। 4 महीने में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या सर? इसमें जो हमारा बेसिक होता है बच्चों के लिए बेसिक कराते हैं, कुछ हमारा जो नेटवर्किंग का होता है बच्चों को वो कराते हैं, कुछ इसमें जो पार्ट्स हमारे जो खराब हो जाते हैं उनको हार्डवेयर का थोड़ा सीखना, हार्डवेयर का पार्ट क्या आता है। अच्छा, डीओ का कोर्स नहीं चला पाए सर? डीओ के 1 साल का कोर्स होता है, वो लेवल का होता है। और जो हमारा सेंटर का नाम है ये जो नीलित तो यहाँ है मदन मोहन मालविया में चेके होंगे अपने पुराने नाम। अभी तो ट्रिपल सिंगर होंगे तो 6 महीने का बजाय तो डिग्री मिलता है, उसमें बरीता देते हैं। उनका नाम मैं ले रहा हूँ, शिवम दुबे। दुबे विकास सिंह, अंकित प्रताप सिंह। अब हम उन बच्चों को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। सर निशु, अच्छा से ट्रेनिंग करिए निशु। अब हम उन बच्चों को भी बुलाना चाहेंगे जिन्होंने हमारी संस्था में सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का कोर्स कर अपनी जीवन में एक नई उमंग, नई जोश भरी है। नशीबुल, प्रियंका निषाद, कुसुम, नीतू देवी, तो बच्चे और बाकी बच्चे अभी एग्जाम देके इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, आप सफल होंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण एक तरफ से कार्यक्रम है ताकि जो कितने बच्चे प्रशिक्षण लिए हैं उन्हीं का एजेंसी के द्वारा सिलेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम एजेंसी के बहुत धन्यवाद देते हैं, ये बच्चे हमारा गोरखपुर का बच्चे बहुत हुनर बच्चे होते हैं और टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उन लोग का कहीं ना कहीं दिशा देने का काम हम प्रयास कर रहे हैं देने के लिए। आप यदि इन लोगों का मौका देंगे जरूर हम जिला प्रशासन तौर से आश्वस्त कर सकते हैं वो बच्चे बेहतर परफॉर्म करेंगे और आगे उनका भविष्य बन जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कितने अधिकतम नंबर में जो ये बच्चे का सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी कोशिश करिए। और जो कितने बच्चे हैं मैं आपका ये बताने चाहता हूँ, देखिए स्किल डेवलपमेंट मिशन बहुत महत्वपूर्ण मिशन होता है। देखिए बहुत सारे चीज़ जो हम कागज़ में होता है बट वाकई में तब परिवर्तन में जो प्रैक्टिकल में देखेंगे बहुत सारे बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे कितने अच्छे मार्क पाते हैं बट प्रैक्टिकली किसी को मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग और टेलरिंग कोई भी ट्रेड हम बता देंगे तो फिर प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के ज़रूरत के हिसाब से वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। ये संस्थान ये महत्वपूर्ण जो बीच का
ब्रिज है, एक तरफ बीच का जो गैप को फिलिंग का काम कर रही है, ताकि आपका जो वाकई में किस चीज का मार्केट में डिमांड है उसी के हिसाब से आप इक्विप हो जाएंगे। ऐसे नहीं है तो आप बेरोजगार रहेंगे जरूर। आप देखिए, आपका हुनर हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए था। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी मौका मिलता है तो जाइए। हम भी तो तैयारी के समय में कुछ नहीं मिलता था, हम तो छोटी सी पढ़ाई करते थे, ट्यूशन, कहीं भी मौका मिलता था उससे पैसा इकट्ठा करता था, फिर उसके बाद पढ़ता था। हर इंसान का जिंदगी ऐसे शुरू होता है, ऐसे नहीं सब लोग बना बना हुआ अमीर बन के आते हैं। जो कितने भी आज का धनवान किसी व्यक्ति, जो सक्सेसफुल व्यक्ति का, तो पीछे जाके देखेंगे बहुत सरल से उनका जिंदगी शुरुआत होता है। बट आत्मविश्वास और विल पावर है, वो हमेशा मेहनत के साथ जारी रखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं हर चीज से, हर आदमी से सीखते हैं, हर मौका में सीखते हैं। कहीं भी अनुभव मिलता तो जरूर जाके देखते हैं। ऐसे नहीं कहते अरे वो नौकरी में नहीं जाऊंगा, ये नहीं रहूंगा, ऐसे कोई बड़ा नौकरी छोटा नौकरी के नाम से है ही नहीं। अब दिमाग से हटा दीजिए, हमेशा हम कंपेयर करते हैं हमारे मित्र से और बाकी परिवारगण से, बार बार कहते हैं यार उनको नौकरी दिल्ली में लग गया 50,000 रुपया पा रहा, मुझे नौकरी 15,000 का ही मिला, मैं क्यों जाऊं, मैं वही नौकरी के लिए इंतजार करूं। आप फालतू समय खर्च मत करिए, कितने अनुभव आप सीखते हैं, कितना अनुभव आप लाइफ में जो हासिल करते हैं वही एक रास्ता बनाता है आपका आगे जिंदगी के लिए। आज जो भी मौका मिलता है ट्रेनिंग लीजिए, और कहां कहां मौका मिलता है जरूर, छोटी बड़ा नौकरी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्वाइन कर लीजिए, अनुभव ले लीजिए, वही तो फिर आगे आगे आपका एक रास्ता में ले जाएगा। फिर एक दिन आप ऐसे स्थिति में रहेंगे, आपके नीचे 100 लोग 200 लोग काम करने के लिए इच्छुक रहेंगे, वो करेंगे। मैं चाहता हूँ आपको भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। बेसिकली जो है हमारा गृह विभाग, महिला कल्याण विभाग और NHDC का MOU के तहत ये सेंटर का संचालन किया जा रहा है यहाँ जनपद में। और ये सेंटर हमारे जो होम्स के बच्चे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जो किसी बच्चे को पढ़ाने या ट्रेनिंग दिलाने में सक्षम नहीं है, उनके बच्चों के लिए खोला गया है। और इसका ये ट्रेनिंग सेंटर का प्रथम बैच 360 बच्चों का ये कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 180 बच्चों का रिजल्ट भी आ गया है और बाकी 180 बच्चों का रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो इन बच्चों के प्लेसमेंट के लिए आज ये कैंप लगाया गया है, तो आज यहाँ पे 9 कंपनियाँ भी आई हुई हैं, तो वो बच्चों का प्लेसमेंट करेंगी और उनको रोज़गार प्रदान करेंगी। तो इसी में ये आयोजित किया गया था आज, और सर के द्वारा इसमें DM सर द्वारा प्रतिभाग किया गया। सर्टिफिकेट भी वितरण हुआ इसमें? हाँ, जो बच्चे पास आउट हुए थे उनके सर्टिफिकेट का सिम्बोलिकली सर द्वारा वितरण किया गया है। उसके साथ ही साथ जो बच्चे अगले बैच में एडमिशन लिए हैं, बच्चियाँ लड़के और लड़कियाँ, उनको किट का वितरण करके DM सर द्वारा उनको कक्षाओं में प्रवेश के लिए शुभकामनाएँ दी गई है।